जब हम लोग तब मिथिला में पानी नहीं रहेगा, मथाने नहीं रहेगा, माछी नहीं रहेगा, क्या मिथिला तलाएगा। पहचान खो रही है मिथिला की शान पान। क्षतिपूर्ति के लिए तो कुछ मिले ही नहीं चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। 23 दाम खत्म हो चुका है क्योंकि किसान का बाल बच्चा नहीं चाहता पान हम उपजा करे और बेचे ऐसे आगे बढ़े। स्वागत है आपका आपन मिथिला सीरीज के सेकंड एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मिथिला किसान पान को। मिथिला की पान के बारे में बताने से पहले हम आपको पान के बारे में बताते हैं। पान तांबुली नामक लता का पत्ता होता है। इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में तांबुल, तेलुगु में पक्कू, तमिल में वेविलाय, मराठी में इसे वागवेत और गुजराती में इसे नागुरखेन कहा जाता है। विभिन्न राज्यों में तरह तरह के स्वाद के अनुसार अलग अलग तरह के पान खाए जाते हैं। लोग मीठा पान खाते हैं तो कुछ लोग तंबाकू वाले पान खाते हैं जिसमें चुना सुपारी के योग से वीड़ा बनाया जाता है और मुख को सुगंधित, शुद्धि और श्रृंगार के लिए इसे खाया जाता है। तंबाकू के साथ पान खाने वाले लोग इसके आदि हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिससे दांत भी खराब हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। हमारे मिथिला में भोजन के बाद या विवाह या पूजन के बाद पान खाना शोभा की बात होती है। इसका प्रयोग हिंदू धर्म के संस्कारों से जुड़ा हुआ है, जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत और पूजा आदि में इसका उपयोग होता है। पान की खेती तालाब के किनारे की जाती है। इसके लिए दोरस मिट्टी की जरूरत होती है। प्रकृति प्रकोप से पान की खेती प्रभावित होने पर भी इससे जुड़े लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण इसकी खेती से लोग धीरे धीरे मुख मोड़ रहे हैं। जब हम लोग तब मिथिला में पानी नहीं रहेगा, मथाने नहीं रहेगा, माछी नहीं रहेगा, क्या मिथिला तलाएगा। देखिए वजह है सर कि अपने यहाँ मिथिला के पानी इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि बाहर वाला पान आ रहा है। मिथिला में तो किसान चाह नहीं रहा खेती करे, किसान तो हिसाब से मिल नहीं रहा, हम लोग तो दो पैसा हो नहीं रहा। हम भी व्यवसाय करते हैं, हम भी व्यवसाय छोड़ना चाहते हैं। जब अमन दो पैसा नहीं होगा क्या फायदा। वह कहल कि मिथिला में पान के फूल के तो महत्व ज्यादा छै। दोसर नंबर जे एक शीतलहरी अगड़े में और रौदी के मारे में जो क्षतिपूर्ति भ जाए छे, इस सब के लिए तो कुछ मिले ही नहीं चाहिए सरकार के तरफ से। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पान खाने का मन करे तो आप मीठा पानी ही खाएं, जिससे आपके सेहत को कोई हानि ना हो। और अगली वीडियो में हम किसे एक्सप्लोर करें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।